दूसरी ओर केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने बजट को नीति आधारित बजट बताया है। उन्होंने सर्वांगीण विकास वाला बजट बताते हुए कहा कि सरकार डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने बजट लाई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से आम आदमी का और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, रेल यात्रियों को आवागमन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास भी सरकार ने इस बजट में किया है। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट लाके ये बजट अब ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलप्ड कंट्रीज बनती है वैसा बजट आया है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे भारत के उत्थान के लिए। अब ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि जिससे भारत अपनी बेहतरीन उड़ान लेगा। उस ये जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इसमें डिजिटल इंडिया की बात की गई। डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा सुलभता और निश्चिंतता और सुरक्षा सब चीजें होंगी, इससे ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। दूसरा, रोजगार के लिए जो 60 लाख और 16 लाख नौकरियों की बात की गई है वो तो अलग है। दूसरा, वहां से जो बाहर से जो मशीनरी आने वाली है यहां पर, उससे हमारे रोजगार में बहुत ज्यादा फायदा होगा, रोजगार बहुत ज्यादा मिलने लग जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन है। जैसे कि आज से 25 साल बाद जो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जो जिस हिसाब से बजट बना हुआ है, 25 साल के अंदर हमारे 50% से ज्यादा आबादी शहरों में रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा ये इस टाइप से प्लान्ड किया गया है। और जो पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग, अंचल के जो लोग हैं, वो भी डिजिटलाइज्ड करेंसी से जुड़ सके और उनका विकास हो सके। ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो डिजिटलाइज्ड करेंसी की तैयारी है। और डिजिटलाइज्ड करेंसी जिस दिन हो गई, उस दिन ये समझ जाइए कि राम राज्य आ जाएगा। दूसरा, जो रोजगार के बारे में मैंने बात की वो तो है ही, वो रोजगार। और तीसरा, जो कृषि में जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक खाद की बात की गई है और कृषि में जो कृषि इक्विपमेंट्स होंगे उसको सस्ता किया गया है। रोजमर्रा की जीवन में जो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं जिस चीज में, उसको भी खर्चा की कम किया गया है, जैसे जूता, कपड़ा, मोबाइल चार्जर और दूसरी अन्य चीजें, उनको भी बहुत ज्यादा सस्ता किया गया है। तो ऐसे मिला के ये बजट जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार को इनडायरेक्ट रूप से लाभ पहुंचाने वाला बजट है और मध्यम परिवार लोगों को उच्च वर्ग में लाने की ये तैयारी है और अंत्योदय तक पहुंचने वाला ये बजट है।